गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज बहुत ही ठंडा है, ठंडा में एकदम कपकपी हो रहा है। यहाँ हरियाणा में एकदम शीत लहर चल रहा है, कोल्ड वेव। सुबह सुबह सारा काम हीटर लगा के करने पड़ रहा है। आप लोग का वहाँ पे कैसा है बताइएगा? हम लोग का यहाँ पे तो एकदम ठंडा में कपकपी हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी पकाने का मन नहीं कर रहा है, साफ सफाई करने का मन नहीं कर रहा है। अभी मैं क्या क्या करूँगी? सुबह तो बेटा को और हस्बैंड को जैसे तैसे अपना अपना जगह में ब्रेकफास्ट बना के भेजा, हस्बैंड ऑफिस गया, बेटा स्कूल गया, जैसे तैसे ब्रेकफास्ट बनाया। फ्रेंड्स, आज बहुत ही ठंडा है, एकदम कपकपी ठंडा है। अभी सुबह का सारा बर्तन पड़ा है, वो सब धुलाई करने पड़ेगा। बर्तन तो गर्म पानी से धुलाई करूँगी क्योंकि किचन में हीटर है, उसका प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक बार हीटर बंद हो जाता है, मतलब पानी निकलना बंद हो जाता है, उसका बाद जो हाथ में ठंडा लगता है ना दोस्त, वही सोच के डर लगता है। फिर भी उपाय नहीं है, अभी बर्तन धोऊंगी, फिर थोड़ा सब्जी उब्जी कटाई करूंगी, क्या पकाऊंगी, बेटा स्कूल से आएगा क्या खाएगा। आज हस्बैंड नहीं आएगा, आज वो ऑफिस का क्वार्टर में रहेगा, उसका वहीं पे कुछ पार्टी है, इवनिंग में पार्टी खा के आज उनका जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है उसमें रहेगा, कल आ जाएगा ड्यूटी करके। फिर रात का इतना चिंता नहीं, बेटा और मैं ही रहूँगी, तो दोनों का कुछ भी बना के ना जैसे तैसे डिनर चल जाएगा। बस अभी मुझे लंच का चिंता लग रहा है, क्या पकाऊंगी। बेटा ऐसा नहीं है कि वो जो तो खाएगा, एकदम उसका मनपसंद खाना मनपसंद ही होने पड़ेगा, और उसको जो पसंद है वही मैं पकाऊंगी, और देखते हैं क्या क्या करते हैं आगे। आप लोग भी साथ साथ में रहिएगा। हाँ, और एक फ्रेंड और एक बात है फ्रेंड्स, जो आप लोग नया फ्रेंड्स इधर आई हो ना, मेरे वीडियो देख रही हो, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ फिर से और एक बार प्लीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये देखिए, कल का थोड़ा मछली रह गया था तो मैं खुद के लिए मछली फ्राई कर लिया, और इधर मैं मटर पनीर बनाया बेटा के लिए। मटर पनीर बेटा का बहुत फेवरेट है। हम लोग जब मुंबई में था तब वो क्लास 3 तक मुंबई में पढ़ा, और तब तक उसको ना पनीर एकदम पसंद नहीं था, कोई भी वेजिटेबल या कोई भी वेजिटेरियन डिश उसको एकदम पसंद नहीं था। लेकिन हम लोग जब 2015 में हरियाणा आया तो उस टाइम वो क्लास 4 में था, और उसका जितना भी फ्रेंड था सारा वेजिटेरियन फ्रेंड ही था। तो धीरे धीरे ना वो फ्रेंड लोग को पनीर खाते देखते देखते खुद भी पनीर पसंद करने लगा, और अभी तो वो एकदम पनीर का दीवाना ही हो गया है। तो उसके लिए मैंने एक पनीर का सब्जी बनाया। ये देखिए, लास्ट 2-3 दिन से हरियाणा में कितना कोहरा गिर रहा है, इतना ठंडी है ना, शीत लहर चल रहा है। बीच में 2-3 दिन का पहले थोड़ा धूप निकला था, जैसे गर्मी गर्मी सब फील हुआ था, जैसे प्री समर होता है ना वैसा लगा था। लेकिन अचानक फट से 3 दिन का पहले से एकदम फिर से कोहरा गिरना शुरू हो गया पूरा। ये देखिए कितना फॉग है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम लोग कल वेटनरी यूनिवर्सिटी गए थे, हस्बैंड का कुछ ऑफिशियल काम था और बेटा को भी वैक्सीन दिया। ये देखिए वैक्सीन का कुछ पिक है, वो 15 ईयर्स से, अभी जो 15 ईयर्स वाला को जो वैक्सीन देता है वो वैक्सीन हम लोग उनको दिया है, क्योंकि 1 फरवरी से उसका स्कूल रीओपन हो गया, अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, और स्कूल जाने के लिए ना वैक्सीन एकदम कंपल्सरी कर दिया है, इसीलिए उसको वैक्सीन दिला के लाया। और ये देखिए यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, एकदम कुछ भी दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी आप देखिए कितना कम है। यहाँ पे कैमरा में तो थोड़ा दिख ही रहा है, लेकिन जो रियली मतलब प्रैक्टिकली जो रियल व्यू था ना, उसमें एकदम विजिबिलिटी एकदम कम था, कुछ ही मीटर तक था। लेकिन ना ऐसा मौसम भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर आफ्टरनून को मैंने पार्लर जाके आया हूँ, पार्लर में आज हेयर स्पा करके आया हूँ, बहुत दिन का बाद हेयर स्पा किया। कैसे लग रहा है मेरे हेयर फ्रेंड्स, जरा बताना। ऐसा ना मंथली एक बार हेयर स्पा करने से मन को बहुत मतलब फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। फिर शाम हो गया है, शाम होते होते बेटे का सारा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ट्यूशन जाने के पहले उसको मैं थोड़ा अंडा उबाल के और थोड़ा चिकन नगेट पका के दिया हूँ, क्योंकि एक बार जब वो ट्यूशन निकल जाता है ना, घर आते आते रात 8-8:30 हो जाता है, इसीलिए ट्यूशन जाने के पहले उसको मैं खिला पिला के पूरा तैयार करके भेजती हूँ।
और ये सारे बॉयल अंडा हो या ये चिकन नगेट उसका फेवरेट है। थोड़ा ना पढ़ने का पहले थोड़ा बच्चों को उनका पसंद का खाना वाना खिला के तैयार कर देने से, रेडी कर देने से उन लोग का थोड़ा मन भी शांत। फ्रेंड्स, ठंडी की वजह से आज ना ज़्यादा शूट करने का एकदम मन नहीं किया। मुझे लगा कि आज का वीडियो इतना में ही समाप्त करना ठीक रहेगा, क्योंकि ठंडी में एकदम कपकपाहट हो रहा है। अगर फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल उस्ताद ब्लॉग को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे का वीडियो के लिए वेट कीजिएगा प्लीज़। और आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ, तो बाय बाय फ्रेंड्स।